हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाने जा रहे हैं नाग पंचमी की पौराणिक व्रत कथा, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके सात पुत्र थे। सातों पुत्रों की शादी हो चुकी थी। दोस्तों, सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही संस्कारी और श्रेष्ठ चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू घर को लिपने के लिए सभी देवरानियों को साथ लेकर पीली मिट्टी लेने के लिए गई, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने बड़ी बहू को सांप मारने से रोक दिया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम सभी लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह उसके साथ मिट्टी लेने चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सांप से क्या हुआ वादा भूल गई। दोस्तों, जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुम्हें माफ कर देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुम्हें डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, मैं क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी यही जानते थे कि इसके तो कोई भाई न था। तो सर्प बोला, मैं उसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ भी चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी उसके कहे अनुसार उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। दोस्तों, एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत भी हो गई। तब सर्प ने अपनी माता से कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहर वस्त्र आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। दोस्तों, इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए। सर्प ने यह बात सुनी तो उसने सभी वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ही लाकर रख दी। दोस्तों, सर्प ने छोटी बहू को हीरे मोतियों से जड़ा हुआ एक सुंदर हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश के रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि साहूकार की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र ही उपस्थित हों। मंत्री ने साहूकार से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। साहूकार ने डर के कारण छोटी बहू का हार मंत्री को दे दिया। दोस्तों, छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने वैसा ही किया। दोस्तों, जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प का बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने साहूकार के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। साहूकार डर गया कि राजा न जाने क्या कहेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे इसका दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। दोस्तों, यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हुआ हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हार हीरो मणियों का हो गया।
दोस्तों यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी और छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा, सही सही बताओ यह धन तुम्हें कौन देता है? तब उसने सर्प को याद किया। दोस्तों बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। हर हर महादेव। दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।